गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे कि आइडेंटिफायर्स कंप्लीट कराने थे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो पाइथन है वो पाइथन कैसी होती है। पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। नोट में आपको दिख रहा है पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव लैंग्वेज मीन्स क्या होता है, एक ऐसी लैंग्वेज कि अगर उसे उसकी प्रोग्राम को अगर अपर केस या लोअर केस में कन्वर्ट कर दें तो उसका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एरर क्रिएट करेगा। मतलब पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव, जो चीज़ ऐसी दी गई है आपको एज इट इज़ वही लिखना है। जैसे आपको ऐसे एग्जांपल मैं बता देती हूँ, ये फॉल्स लिखा है, फॉल्स एक कीवर्ड है, फॉल्स एक कीवर्ड है, और आपको अगर इसे प्रोग्राम में यूज़ करना है तो आपको एज इट इज़ देना पड़ेगा, फॉल्स देना पड़ेगा। अगर आपने एफ फॉल्स में कैपिटल लेटर जो एफ है अगर स्मॉल लेटर कर दिया, ऐसे लिख दिया, तो आपका एरर हो जाएगा। कंपाइलर इसे क्या बोलेगा, एरर क्रिएट कर देगा, क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। मीन्स एज इट इज़ जैसा लिखा है आपको वैसा ही लिखना पड़ेगा। अगर आपने कैपिटल लेटर को स्मॉल में कर दिया या कोई भी चीज़, जैसे स्मॉल है यहाँ पे ए है, अगर इसको कैपिटल ए में कर दिया, यहाँ स्मॉल को कैपिटल ए में कर दिया और कैपिटल को स्मॉल में कर दिया, स्मॉल एफ में कर दिया, तो क्या हो जाएगा, कंपाइलर एरर क्रिएट कर देगा। इट मीन्स पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अगर आप किसी भी अपर केस या लोअर केस करेक्टर को डिफरेंटली ट्रीट करेंगे तो वो कंपाइलर क्या कराएगा, एरर क्रिएट करेगा। ओके, तो पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ये आपको पॉइंट मिल गया। तो आइडेंटिफायर्स देखिए जरा, आइडेंटिफायर्स मैंने क्या बताए थे, ऐसे चीज़ जो आपको प्रोग्राम में, जो हम क्या पहले से क्या है, किसी चीज़ को क्या करेंगे, नेम देना हो, जैसे वेरिएबल्स होते हैं जितने, ठीक है, जैसे x इक्वल टू दे दिया, तो ये x क्या है, यहाँ पे वेरिएबल, किसी टू में टू की वैल्यू किसकी है, x की है, तो नाम दे दिया ना हमने, किसी का नाम दे दिया ना यहाँ पे, हम जैसे अपना नाम दे, मैंने अपना नाम लिख दिया शुभम इक्वल फोर कर दिया, तो यहाँ पे जो शुभम है वो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, क्या है, स्ट्रिंग वेरिएबल होगा, क्या होगा, स्ट्रिंग वेरिएबल है शुभम। नाम दे देना किसी चीज़ को, आइडेंटिफाई करना, तो यहाँ पे जो फोर की वैल्यू है कौन आइडेंटिफाई कर रहा है, किससे क्या, कौन आइडेंटिफाई कर रहा है, शुभम कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, आइडेंटिफायर्स आर द नेम गिवन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम। क्या क्या हो सकते हैं आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, क्लासेस हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, लिस्ट हो सकती है, डिक्शनरी हो सकती है, एंड सो फोर्थ, ठीक है। अब मैं आपको रूल्स बताऊंगी आज टुडे कि आइडेंटिफायर्स लिखने के लिए क्या क्या रूल्स होने चाहिए। पहली बात कि ये कभी कीवर्ड नहीं होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, कीवर्ड नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने वेरिएबल का नाम ही मान लो क्या दे दिया, आपने मान लो वेरिएबल का नाम ट्रू दे दिया, ट्रू इक्वल फोर कर दिया तुमने वैल्यू वेरिएबल का नाम, तो आपने यहाँ ट्रू दिया है और मान लो हमने कीवर्ड का भी ट्रू का यूज़ किया, तो ये कंपाइल कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये ट्रू, यहाँ पे ट्रू जो है वो कीवर्ड है कि आइडेंटिफायर है, तो यहाँ पे कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, उसे समझ में नहीं आएगा कि ये ट्रू, कंपाइलर कहेगा कि ये ट्रू जो कीवर्ड है कि आइडेंटिफायर, उसी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी। तो इस वजह से हम आइडेंटिफायर का नाम कभी भी, जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उन नाम पे कभी नहीं लेते, उनका ये नाम नहीं ले सकते कभी भी अपने, किसका, आइडेंटिफायर्स का ये नाम कभी भी नहीं ले सकते, क्योंकि कंपाइलर कन्फ्यूज़ हो जाएगा। तो पहला पॉइंट है जो आइडेंटिफायर्स के रूल्स पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या होते हैं, पहला है वेरिएबल्स नेम मस्ट ओनली बी अ नॉन कीवर्ड वर्ड विथ नो स्पेसेस इन बिटवीन। मतलब कीवर्ड नहीं हो सकते, बाकी जो कीवर्ड छोड़ के जितने भी आप नाम लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, और उनके बीच में आपस में क्या नहीं होगा, स्पेस नहीं होगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या है, वेरिएबल नेम्स मस्ट बी मेड अप ऑफ ओनली लेटर्स नंबर्स एंड अंडरस्कोर। आपके जो भी वेरिएबल्स होंगे वो लेटर्स हो सकते हैं ए टू जेड में, नंबर्स हो सकते हैं 1 to 100 के बीच में, कुछ भी लिख सकते हैं, और सिर्फ एक सिंबल यूज़ करेगा, डैट इज़ अंडरस्कोर। सिंबल कौन सा यूज़ करेंगे, सिर्फ अंडरस्कोर। और फर्स्ट सेकंड पॉइंट क्लियर, थर्ड पॉइंट क्लियर करेंगे हम लोग, वेरिएबल्स नेम्स कैन नॉट बी बिगन विथ अ नंबर। जो वेरिएबल का नेम है वो कभी भी नंबर से शुरू नहीं होगा, नंबर से शुरू नहीं है, बीच में नंबर आ सकता है, मैंने क्या बताया था, लेटर्स आ सकते हैं, नंबर्स आ सकते हैं, अंडरस्कोर आ सकता है, लेकिन शुरुआत कभी भी नंबर से नहीं हो सकती, लेटर से हो सकती है, अंडरस्कोर से हो सकती है। जैसे मैंने कहा लेटर से अगर मैं शुरुआत करूंगी, जैसे मैंने लिखा शुभम 1 2 3 अंडरस्कोर, इट इज़ अ वैलिड वेरिएबल, क्योंकि स्टार्टिंग किससे हुई है, लेटर से हुई है, लेकिन अगर हमने यहीं पर दे दिया 1 2 3 शुभम अंडरस्कोर, तो ये क्या इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि कभी भी नंबर से स्टार्टिंग नहीं होगी। अगर यही मैंने ऐसे दे दिया
शुभम 1 2 3 तो ये वैलिड होगा, स्टार्टिंग हो सकती है लेटर से और अंडरस्कोर सिंबल से, ठीक है। लेकिन कभी भी जो नंबर है वो बीच में आ सकता है, लास्ट में आ सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। तो तीन सॉरी तो तीनों पॉइंट क्लियर हुए आपको। पहला क्या था कि कभी भी कोई कीवर्ड नहीं होगा, इनके बीच में स्पेस नहीं होगा। सेकंड क्या था, ये लेटर्स होंगे, नंबर्स होंगे, अंडरस्कोर होगा। तीसरा पॉइंट था होंगे लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स, लेकिन स्टार्टिंग अंडरस्कोर से हो सकती है, लेटर से हो सकती है, नंबर बीच में और लास्ट में आ सकते हैं, बट स्टार्ट नहीं होंगे। ओके आप देख लीजिए, वैलिड वैलिड देख लीजिए, इतने टाइप्स के देखो, ये वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं। माई फाइल देखो, कैपिटल कैपिटल किससे स्टार्ट हुआ है आप देखिए, ये किससे स्टार्ट हुआ है, माई फाइल जो नाम है वो लेटर से स्टार्ट हुआ है, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं। क्या कीवर्ड है, कोई नहीं है। या देखिए इसमें भी कोई स्पेस है, नहीं है। यहाँ पे देखिए, पहला अंडरस्कोर से हुआ वैलिड है, ये भी पहला लेटर से हुआ वैलिड है, यहाँ पे भी पहले वैलिड होगा क्योंकि पहला लेटर हो रहा है, इसमें भी वैलिड होगा, पहला अंडरस्कोर हो रहा है, पहले वैलिड होगा, कोई स्पेस नहीं है, ये भी वैलिड होगा। यहाँ पे देख लीजिए, इनवैलिड आइडेंटिफायर्स, ये क्या है, ये सिंबल अंडरस्कोर का नहीं है बेटा, स्पेस का सिंबल है, दो दो पॉइंट दो टेक्स्ट को जोड़ रहा है, इट इज़ नॉट इनवैलिड, क्योंकि ये वाला हमारा कभी भी सिंबल यूज़ नहीं होता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कहा कभी भी नंबर से शुरुआत नहीं होती, ब्रेक एक कीवर्ड है, कभी नहीं हो सकता, माई ये सिंबल कभी यूज ही नहीं हो सकता डॉट, तो इट इज़ इनवैलिड। तो पूछा जाता है कौन से इनवैलिड है, कौन से वैलिड है, आइडेंटिफायर्स के रूल्स क्या होते हैं, तो ये दो नंबर का क्वेश्चन आज आपका क्लियर हुआ। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस कुछ दूंगी, वो आप कंप्लीट करिएगा, और जो पिछला असाइनमेंट है प्लीज़ काइंडली सबमिट कर दीजिए। ओके थैंक यू स्टूडेंट।